झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात 25 सहायक पुलिसकर्मी स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। पिछले रघुवर सरकार ने नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए 2500 पुलिसकर्मियों की बहाली की थी। उस वक्त की सरकार ने वादा किया था कि 3 साल की सेवा के बाद 2500 पुलिसकर्मियों को परमानेंट कर दिया जाएगा। अब इस वादे को पूरा करने की मांग 2500 सहायक पुलिसकर्मी हेमंत सरकार से कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए रांची में सीएम आवास के घेराव का ऐलान तक किया गया था। लतेहार और गिरिडीह से रांची आने वाले सहायक पुलिसकर्मियों के जत्थे को रोक दिया गया था, लेकिन कई जिलों से सहायक पुलिसकर्मी रांची पहुंचने में कामयाब रहे। रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में जुटे सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए। सहायक पुलिसकर्मियों को रात में खुले आसमान के नीचे ही गुजारनी पड़ी। विरोध प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि हेमंत सरकार को हमारे बच्चों की फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों को रात में दूध के लिए तरसना पड़ा, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। प्रदर्शन स्थल पर महिला पुलिसकर्मी छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद हैं। वहीं पलामी से आई एक महिला पुलिसकर्मी ने सरकार से नौकरी को स्थायी करने की मांग की है। सर, मैं पलामू से आई और हम लोग को एक ही मांग है, सिर्फ स्थायी। जिला बल की तरह हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो सर जिला बल की तरफ क्यों नहीं अथी की जाती? हम लोग तीन साल से किए ना ड्यूटी। अब नक्सल क्षेत्र में आप लोग तैनात हैं? हाँ सर। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो नक्सल क्षेत्र? सर, नक्सल क्षेत्र से तो हम लोग आते ही हैं, लेकिन हम लोग को मतलब प्रोस्पेक्टस में भी लिखा था कि क्षेत्रीय इलाका में ड्यूटी कराना है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। हमेशा सर ड्यूटी में हर तरह का ड्यूटी लिया गया है सर, दंगा हो, फसाद हो, हर तरह का, PCR हो, स्कॉट, बहुत तरह का, मतलब जो जिला बल के ड्यूटी होता है उसी तरह हम लोग का भी ड्यूटी लिया गया। वहीं सहायक पुलिसकर्मी मुकेश यादव ने कहा कि महज 10,000 रुपए में वो क्यों काम करें। यादव ने स्थायी करने की मांग दोहराई। अवल में नियुक्त किया जा सकता है तो फिर 10,000 में क्यों हम लोग को मतलब कि इतना खटाया जा रहा है? कितने लोग हैं आप? हम लोग पूरे झारखंड में 2500 है। नाम बता दीजिए कहाँ से? मुकेश यादव, चतरा। वहीं रांची के ट्रैफिक SP अजीत पीटर डुंगडुंग ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को 6 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए और इसके जरिए वो अपनी बात उचित फॉर्म पर रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संविदा कर्मचारियों की भी अधिकार सुरक्षित हैं। 2089 का वर्कमैन्स राइट्स एक्ट, वर्कप्लेस राइट्स एक्ट, तो उस एक्ट के तहत में इनका भी, उस एक्ट में ये प्रावधान है और DUPT का गाइडलाइन है कि कोई भी कर्मी, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो या टेम्पररी एम्प्लॉय हो, उसका अधिकार संरक्षित है। अगर टेम्पररी है तब भी, तो ये लोग टेम्पररी हैं अभी, लेकिन इनको जो अधिकार, मौलिक अधिकार मिलना है वर्कमैन्स राइट्स एक्ट के तहत, वो अधिकार मिलेगा। अब ये प्रक्रिया की चीज़ है, तो प्रक्रिया कैसे उसको हम लोग करेंगे वही डिसाइड करना है। अभी इन लोग से बात, जो ब्रीफिंग किए, इन लोग को यही बताया गया कि प्रतिनिधिमंडल छोटा होता है और इतने 12 जिला से लोग आए हैं, तो सबका बात रखने के लिए आप लोग नेता चुन लीजिए और 6 ही आदमी, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन और मेंस रहेंगे, और उन 6 आदमी को या महिला पुरुष को मिला करके जो प्रतिनिधिमंडल है, उस प्रतिनिधिमंडल से हम लोग बात कर लेंगे और हमारे जो सीनियर फॉर्मेशन है, सीनियर फॉर्मेशन के माध्यम से उचित फोरम तक हम लोग पहुंचा देंगे। अभी तक हेमंत सोरेन ने इस मामले पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सरकार 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की मांग को पूरा करेगी। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।